नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललित टॉप देख रहे हैं। यूपी का बुलंदशहर, साल 2018 में यहां हिंसा हुई थी। गोकशी का आरोप लगाते हुए भीड़ ने चिंगराओं की पुलिस चौकी पर आगजनी, पथराव, तोड़फोड़ और हिंसा की थी। इसी हिंसा में स्याना थाने के तत्कालीन SHO सुबोध कुमार सिंह शहीद हो गए थे। हिंसा के आरोपी शिखर अग्रवाल को प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना नाम की एक संस्था का जिला महामंत्री बनाया गया। अग्रवाल को बीजेपी के जिला अध्यक्ष अनिल सिसोदिया ने नियुक्ति पत्र दिया। मामला सामने आने के बाद बवाल हो गया है। विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरा है। अब शिखर अग्रवाल को इस पद से हटा दिया गया है। संस्था का कहना है कि उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया टुडे के पत्रकार मुकुल शर्मा ने बताया कि 16 जुलाई को बुलंदशहर में एक कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना नाम की एक संस्था ने आयोजित किया। कुछ तस्वीरें सामने आई, इसमें दिखा कि बुलंदशहर जिला बीजेपी अध्यक्ष अनिल सिसोदिया शिखर अग्रवाल को संस्था के जिला महासचिव का नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, इसके बाद बवाल हो गया। विवाद बढ़ने के बाद अनिल सिसोदिया ने सफाई दी। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों को, ऐसा सामाजिक तत्व या जिनके ऊपर कोई किसी तरह के केस है, उनको उससे दूरी बना के वैसे रखते हैं, उस संस्था का ही लेना देना नहीं उस पर। वहीं शिखर अग्रवाल जो कि बुलंदशहर हिंसा के आरोपी है, उसका कहना है, पार्टी ने मेरी छवि को देखा है जनता के बीच में, जनता के बीच में मेरे काम करने के तरीके को देखा है, और जो संस्था है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी अभियान योजना, इसके जिला अध्यक्ष प्रीतम कुमार जी ने एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यतेंद्र कुमार सेन जी ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जाएगा। क्षेत्र क्षेत्र में, गांव गांव में, जनता के बीच, द्वार द्वार पर लोगों के पास जाकर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की एक एक नीति को समझाया जाएगा। मेरे ऊपर कोई गलत ऐसा कार्य मैंने जीवन में नहीं किया है। मैंने हमेशा पार्टी के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अखंडता एकता के लिए कार्य किया है, और मैं हमेशा हिंदुत्व के लिए कार्य करता रहूंगा। मेरा जीवन पूर्ण रूप से अपने धर्म के लिए समर्पित है। इस बीच विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सुबोध कुमार सिंह के परिवार का एक वीडियो ट्वीट किया और कहा कि इस तरह की घटनाओं से अपराधियों का हौसला बुलंद होगा। उन्होंने कहा, यूपी पुलिस में अपनी सेवाएं देते हुए शहीद हुए सुबोध सिंह की पत्नी का बयान सुनिए। खबरों के अनुसार उनकी हत्या के आरोपी को आज भाजपा ने अपना पदाधिकारी बना दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी पत्नी का सवाल जायज है, इस तरह से अपराधियों का मनोबल और बढ़ेगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बुलंदशहर में शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी को भाजपा द्वारा अपने संगठन में PM जन कल्याण योजना अभियान का महामंत्री बनाना, आरोपियों को सत्ता का संरक्षण देना है। यदि ऐसे अपराधी को इस तरह का सम्मान मिलेगा तो यकीनन इससे हमारे पुलिस अधिकारियों का मनोबल गिरेगा। 3 दिसंबर 2018 को चिंगरावटी गांव में भीड़ ने कथित गोकशी के विरोध में पुलिस चौकी के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन भीड़ तुरंत कार्रवाई पर अड़ गई। ऐसे में मामला बढ़ गया और भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस हमले में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिंसा में 22 साल के कॉलेज स्टूडेंट सुमित कुमार की भी मौत हुई थी। शिखर अग्रवाल इसी मामले में आरोपी है, उस पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। अग्रवाल को अगस्त 2019 में जमानत मिली थी। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।